अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। हमारे घर चल रही हैं दावत पे जाने की तैयारियां और मैंने अपने लिए निकाला हुआ है ये 3-पीस सूट। ये सूट मैंने लास्ट ईयर लाइमलाइट से लिया था। इसका ट्राउज़र और शर्ट एक जैसी हैं, दुपट्टा इसका प्रिंटेड था, शर्ट पे जो है इसका बॉर्डर पे सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और इसके स्लीव्स पे मैंने खुद से बेल खरीद के लगवाई थी। यहाँ पे मैं रेडी वगैरह हो चुकी थी और आज सुबह मैंने अपने बालों में कलर लगाया था। काफ़ी दिनों पहले से मैंने कलर ला के रखा हुआ था और मैं डेली सोचती थी आज लगाऊंगी, लेकिन वो रह ही जाता था। मेरे पूरे बाल जो है ना वो वाइट हो चुकी हूँ और उसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम ना हाइलाइट्स, कलर और इस तरह की चीज़ें करवा कर ना अपने बालों को वाइट कर लिया है और अब मेरी मजबूरी बन चुकी है कलर लगाना। अगर मैं नहीं लगाती तो वो वाइट बाल बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और यहाँ पे कलर वगैरह लगाने के बाद ज़रार को रेडी किया। ज़रार ने जो शर्ट पहनी हुई है इसको ये मेरी बहन ने दी थी, वो इसके लिए कराची से लेकर आई थी। आई थिंक मैंने अपने पुराने भी किसी व्लॉग में आप लोगों को ये चीज़ें सारी दिखाई हुई हैं जो मेरी अम्मी ने भेजा था और मेरी बहन लेकर आई थी। घर से हम निकल चुके थे और पहले मैंने पार्लर जाना था, क्योंकि पार्लर और जो मेरे बालों का कलर है ना, मैंने जो डाई करने थे, ये दोनों चीज़ें मेरी काफ़ी पेंडिंग चल रही थी। मैंने कहा आज तो मैंने जाना ही जाना है। उनके घर जाने से पहले मैं पार्लर आई और पार्लर में काफ़ी रश हुआ हुआ था, ब्राइड्स वगैरह रेडी होने आई हुई थी, तो मैंने थोड़ी अपनी वीडियो वगैरह बनाई। घर से मैंने जब निकली थी ना तो मैं हील वाली चप्पल पहन के निकली थी, लेकिन रास्ते में मैंने बोला नहीं मैं फ्लैट चप्पल पहनूंगी। वापस ऊपर गई, चप्पल चेंज की और फिर गाड़ी में आके बैठी। ये जो है जी बहरिया की पूरी फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको हर ब्रांड का खाना मिलेगा और हर ब्रांड के कपड़े मिलेंगे। पहले मैं भी बहरिया में ही रहती थी, अभी 7-8 महीने हुए हैं तो मैं इस्लामाबाद मूव हुई हूँ। महाराज दोनों जगहों के अपने अपने मज़े हैं। बहरिया पहले अच्छा होता था, लेकिन अब बहरिया में ना गैस होती है ना बिजली होती है और इतना वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं मेंटेनेंस वगैरह, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम उनके घर आ चुके थे और घर आके खाना वगैरह उन्होंने लगाया जी। यहाँ पे हलीम थी, बिरयानी थी, सैलड थी, रोटियाँ, साथ में मीठी में सेवइयाँ वगैरह थी। और खाने की तो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती कितना ही मज़ेदार खाना था। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जी खाना तो ना हर कोई बना लेता है, लेकिन जब आप दिल से मोहब्बत और खलूस से किसी के लिए खाना बनाते हो ना, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। और खाना इतना मज़े का बना हुआ था कि मैं आप लोगों को, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, इतना ही यम्मी और इतना ही मज़े का खाना था। बातें वगैरह की हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के, ज़रार जो है गेम्स वगैरह खेल रहा था। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोगों यहाँ पे आई थिंक 3-4 बज चुके थे, ज़रार इन्हीं के घर में सो गया था। इनकी अम्मी जो है ना वो इतना प्यारा डिकोर करती हैं ये अपना घर, उन्होंने आर्टिफिशियल बेलों से और असल भी मनी प्लांट्स उन्होंने लगाए हुए और बहुत ही खूबसूरत। गाड़ी में ज़रार सो चुका था और घर जब ये आया तो काफ़ी क्रैंकी और काफ़ी रोने वाली इसकी शक्ल हुई हुई थी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है मैंने लाड वगैरह इसको उठाए और इसको कहा जाओ और अब दोबारा से सो जाओ। तो चलें कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।